तो चलिए इसके सेटिंग्स में चलते हैं। तो ये है इस टैबलेट की सेटिंग, मैं फोकस कर लेता हूँ जिससे आप आराम से सारी सेटिंग्स को देख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरू से हम चेक करेंगे और जो जो हिडन फीचर्स होंगे आपको बारी बारी सारे बता दूंगा। तो कनेक्शंस वाले सेटिंग्स पे चलते हैं, मोर कनेक्शन सेटिंग्स। तो इसमें कोई भी नहीं, बस आपको एक फीचर मिल जाता है प्रिंटिंग का। अब डायरेक्ट डिफॉल्ट इसमें आपको एक प्रिंटिंग सर्विस मिल जाता है जिससे आप अपने प्रिंटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर भी अच्छा है और आप इस फीचर से प्रिंटिंग इजीली कर सकते हैं अपने टैबलेट से। तो ये वाला एक फीचर है इसका। और अब चलते हैं अगले में, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इसमें आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब। तो इससे आप ऑल कॉल को म्यूट कर सकते हैं और अलर्ट को, और आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कौन कौन से ऐप आप यूज़ करना चाहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब में, जो कि आपको जैसे कि कोई कॉल इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वो आएंगे बाकी नहीं आएंगे, तो वो आप डू नॉट डिस्टर्ब में यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको कुछ नॉर्मल फीचर्स हैं जैसे कि टच साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, चार्जिंग साउंड, तो ये तो आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। एक हिडन फीचर ये भी है इसमें, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स। तो आप ये देखिए, बेसिक में एडवांस में आप जा सकते हैं, तो इससे आप साउंड क्वालिटी को पूरा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एडवांस में जाके आप बेसिक में जाके आप बेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रेबल कर सकते हैं। तो ये आप मीडियम, आपके डिफॉल्ट में मीडियम पे रहेगा, आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और आप इसमें इंस्ट्रूमेंट वोकल पे इंक्रीज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट या फिर वोकल, तो ये भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये मीडियम पे आपको पहले से मिलेगा, तो इसमें उतना ही रहने देते हैं। और आप इसमें एक कॉन्सर्ट हॉल वाला इफेक्ट भी डाल सकते हैं। कॉन्सर्ट हॉल को ऑन करने के बाद आपको एक कॉन्सर्ट हॉल वाली साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगी रिंगटोन्स और साउंड में इस टैबलेट की। तो अब चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐप के आपको नोटिफिकेशन चाहिए ये सारे आप ऑन कर सकते हैं। तो ये कोई हिडन फीचर नहीं है, ये एक नॉर्मल फीचर है। तो अब इसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो आपको इसमें आउटडोर मोड मिलता है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये आउटडोर मोड पे चला जाएगा, आप अपनी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देगा और 15 मिनट्स के बाद टर्न ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद आपको मिलता है इसमें ब्लू लाइट फिल्टर, जो कि आपके आईज को प्रोटेक्ट करता है, ब्लू लाइट को कट कर देता है और येलोइश टैबलेट आपको दिखने लगता है। तो इसे भी ऑफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं और कुछ। तो ये तो नॉर्मल है, तो आपको इसमें और कुछ खास नहीं मिलता, बस एक स्क्रीन सेवर मिल जाता है जिसमें आप जाके स्क्रीन सेवर को ऑन कर सकते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल फीचर है वैसे, लेकिन फिर भी इस टैबलेट में मिलता है, सारे में आपको ये नहीं मिलता है, तो इसमें आपको मिल जाता है। तो ये वॉलपेपर्स हैं। उसके बाद ये एडवांस फीचर हैं, तो एक्सेसरीज। तो यही था जिसकी वजह से ये टैबलेट अपने आप अनलॉक और लॉक हो पा रहा था। तो ये लॉक अनलॉक, तो ये इसी फीचर की वजह से हो पा रहा है। देखिए मैं ऑफ करूँगा, फिर भी वर्क कर रही है। तो देखिए अभी अनलॉक नहीं कर रहा है अपने आप, देखिए अनलॉक नहीं कर रहा है, लॉक हो रहा है लेकिन अनलॉक नहीं हो रहा है। और जैसे मैं इस फीचर्स को ऑन करता हूँ, देखिए ऑन किया, अब लॉक ऑटोमेटिक अनलॉक। इससे यही वो फीचर है जिससे ऑटोमेटिक अनलॉक भी हो जाएगा आपका, अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है तो। तो देखिए ऑटोमेटिक अनलॉक हो रहा है, और जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा
अभी लॉक हो गया लेकिन अनलॉक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक इसका हिडन फीचर है जिसे आप ऑन कर सकते हैं। आपको इसमें गेम्स के लिए काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, गेम्स लॉन्चर, गेम्स टूल, तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं। और इस पाम स्वाइप टू कैप्चर, तो इससे आप कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्मार्ट अलर्ट से आप जैसे आपका मान लीजिए टैबलेट कहीं पड़ा हुआ है, आप कहीं गए हुए हैं और मैसेजेस कॉल आते हैं, तो जैसे ही आप टैबलेट को पिक करेंगे वहां पे आके, तो आपका टैबलेट वाइब्रेट करने लगेगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके टैबलेट में मिस कॉल या मैसेजेस आया हुआ था। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, इसे आप ऑन कर सकते हैं, आपको डिफॉल्ट में ये ऑफ मिलेगा। तो ये इजी म्यूट है, आप इनकमिंग कॉल को म्यूट कर सकते हैं स्क्रीन पर हैंड रखकर। तो ये पहले से आपको ऑन मिलता है और इससे आप जैसे आपके फोन में कॉल आ रहा है, आपका रिंगटोन बज रहा है, तो आप जैसे ही इस टैबलेट की स्क्रीन पर हाथ रखेंगे ये म्यूट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और बाकी नॉर्मल फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, और ये तो नॉर्मल है डिवाइस मेंटेनेंस। ये एप्स है, तो सारे एप्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये भी एक सिंपल फीचर है। तो अगले हिडन फीचर पे चलते हैं। तो स्मार्ट लॉक भी एक इसका अच्छा फीचर है, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका एक हिडन फीचर है, तो इससे क्या होगा कि ऑन बॉडी डिटेक्शन, जैसे कि आपने ये वाला फीचर ऑन कर दिया, तो इससे जैसे ही आप मान लीजिए आप टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं और जैसे आपका जब तक आप मूव करेंगे तब तक आपके डिवाइस अनलॉक ही रहेगा, लॉक नहीं होगा। और जैसे ही आप डिवाइस को कहीं रख देंगे कुछ देर तक ये मोशन में नहीं रहेगा, तो आपका डिवाइस अनलॉक वो लॉक हो जाएगा अपने आप, और जब तक आप मोशन में रहेंगे तब तक ये अनलॉक रहेगा। तो ये भी अच्छा फीचर है, अगर आपको बार बार लॉक अनलॉक पसंद नहीं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला जो है स्मार्ट लॉक में फीचर, वो है ट्रस्टेड प्लेस। जैसे कि आप कोई भी अपना अपना लोकेशन ऐड कर दें, या फिर दो तीन लोकेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी लोकेशन ऑन करेंगे, जब भी आपके उस लोकेशन पे आपका फोन रहेगा या फिर टैबलेट रहेगा, तो उस लोकेशन पे आपका टैबलेट अनलॉक रहेगा, लॉक नहीं होगा। आप जैसे ही उस लोकेशन से बाहर जाएंगे, जैसे कि आप घर पे हैं तो आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, तो आपके घर पे कभी भी आपका डिवाइस लॉक नहीं होगा, अनलॉक रहेगा। और जैसे आप बाहर जाएंगे तो ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा, फिर आपका लॉक अनलॉक फीचर काम करने लगेगा। और अगला फीचर है ट्रस्टेड डिवाइस, तो इससे आप ब्लूटूथ वाले डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना किसी दूसरे फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो जब तक ये डिवाइस उसके रेंज में रहेगा जो कि 100 मीटर का रेंज है, तब तक डिवाइस आपका अनलॉक रहेगा, लॉक नहीं होगा। तो ये भी अच्छा फीचर है, जब तक आप ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करेंगे जो कि आपका ट्रस्टेड डिवाइस होगा, तब तक आपका डिवाइस अनलॉक ही रहेगा। उसके बाद है वॉइस मैच, जो कि ओके गूगल है, तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही ओके गूगल बोलेंगे आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, अगर आपने पिन पैटर्न पासवर्ड नहीं डाला है तो ये भी अच्छा फीचर है। आप अगला फीचर देख लेते हैं। तो अगला फीचर चेक करते हैं, अगला फीचर तो एक फीचर है ऑटो फैक्ट्री रीसेट। अगर आपका डिवाइस में 15 टाइम्स इनकरेक्ट पासवर्ड डाला जाता है, तो आपका डिवाइस ऑटो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा, सारी डेटा डिलीट हो जाएगी और आपका डिवाइस सेफ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका डिवाइस चोरी हो जाता है और वो जिसने चोरी किया वो आपका डिवाइस खोलने की कोशिश करता है और आपका इंपॉर्टेंट डेटा फोन आपके टैबलेट में पड़ा हुआ है, तो अगर उसने 15 टाइम्स में गलत पासवर्ड डाला तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तो ये आपको ऑफ मिलता है, आप इसे ऑन कर सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड सेटिंग्स में जाके, सिक्योर लॉक सेटिंग्स में जाकर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस टैबलेट का। तो इतने फीचर्स है, और ये एक स्मार्ट स्विच फीचर है जिससे आप अपने नए टैबलेट को पुराने टैबलेट के सारे डेटा को इसमें डाल सकते हैं, पुराने फ़ोन को वायरलेसली आप सारे डेटा को इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप यूएसबी केबल के थ्रू भी डाल सकते हैं सारे डेटा को इसमें, और इससे उसमें भी डाल सकते हैं जो आपका नया डिवाइस हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो इतने फीचर्स है इस टैबलेट में, ज़्यादा कुछ खास फीचर्स है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे
कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस टैबलेट से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।